नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम GDS एम्प्लॉयज को GDS पे कमेटी की रिपोर्ट की ताज़ा स्टेटस बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी ने 4 सितंबर 2017 को ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी AIG DSU के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको एक लेटर लिखकर ये बताया कि 11 सितंबर 2009 को GDS पे कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया है। इसलिए उनसे यानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन से इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। जैसे कि जो ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी ने सरकार एक रिक्वेस्ट किया था कि एक मीटिंग का आयोजन किया जाए, इसमें जो पे कमेटी की रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, और पोस्ट डिपार्टमेंट ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और 11 सितंबर 2017 को उस पे कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद में जो भी ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज हैं उनको एक अच्छी और अपडेट मिलने वाली है। जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पहले भी एक बार बताया था कि 15 सितंबर के बाद में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में GDS पे कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो जाएगी, और इन सब प्रोग्रेस को देखने के बाद में यही उम्मीद की जा रही है कि जो GDS पे कमेटी की रिपोर्ट है वो हर हालत में सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में लागू हो जाएगी। जिस हिसाब से जो प्रोग्रेस इस बारे में की जा रही है सरकार के द्वारा और जो भी यूनियन है उनके द्वारा, तो ये एक GDS पे कमेटी की रिपोर्ट की लेटेस्ट अपडेट है कि 11 सितंबर 2017 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस मीटिंग के बाद में GDS एम्प्लॉयज को कुछ अच्छी अपडेट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ आपको ऑथेंटिक अपडेट्स ही दी जाती हैं, बाकी फालतू की अफवाहें बिना सबूत के हम किसी भी न्यूज़ को पब्लिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हालांकि और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट था कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। दोस्तों, हमने ईमेल के थ्रू भी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि इसके लिए आप जो भी कंसर्न्ड सर्किल है उसी से कॉन्टैक्ट करें, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्टिंग वाला जो वेबसाइट है वहाँ से कोई भी उन्होंने ऑथेंटिक अपडेट्स हमें नहीं दिए, तो हम उसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं दे सकते। अच्छा होगा कि आप ही जो भी आपका कंसल्ट सर्किल है उससे कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि जो MP और छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम का क्या स्टेटस है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।